हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हो। ठीक है, तो हमें कोई समभुज दे रखा है, उसके बाह्य बाहर वाला जो कोण है उसका माप ज्ञात करना है और उसकी भुजाएं दे रखी है 9 भुजाएं। एक बार तो 9 भुजाओं से निकालना है और दूसरी बारी 15 भुजाओं से। ठीक है, इसके दो पार्ट है। तो देखो, पहले हम पहला 9 भुजाएं किसे निकालते हैं, तो जो कोई भी बहुभुज होता है उसके सारे बाह्य कोण, जितने भी टोटल बाहर वाले जो कोण होते हैं उन सबका टोटल कितना होता है, कुल 360 डिग्री होता है उनका योग। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, और भुजाएं कितनी दे रखी है, 9। तो भुजाएं हम लिख लेते हैं 9। हमें निकालना क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो ये तो टोटल लिख दिया हमने, जितने भी बाहर के कोण थे ना सबका जोड़ करके 360 है। लेकिन अगर एक सिर्फ एक बाह्य कोण की बात करें तो वो कितना होगा, वो हमें बताना है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सारे बाह्य कोणों का योग है उसको जितनी भुजाओं की संख्या है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रत्येक जो बाह्य कोण है उसके माप आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। तो इसको 9 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री। तो जो प्रत्येक बाह्य कोण जो है बाहर वाला कोण उसका माप कितना है इसमें, 40 डिग्री, जब भुजाएं कितनी है, 9 भुजाएं है तब। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है कि जब 15 भुजाएं हो तब कितना आएगा। तो देखो, इसमें भुजाएं हमारे पास कितनी है, 15, और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग वही रखना है 360, और भुजाओं की संख्या की जगह 15। तो इसको भाग कर लेंगे कितना आएगा, 24 डिग्री। तो जब भुजाएं 15 है तो बाह्य कोणों की माप कितनी आ गई, 24 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो हमें बताना है, देखो ये वाला, इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाया था हमने कि बाह्य कोण की माप हमें निकालनी थी, तो सारे जो बाह्य कोणों का योग था वो बटे में उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है वो। ठीक है, इस बार हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, और ये बाह्य कोणों का योग तो कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम पहले लिखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो कितना है, 360 डिग्री, और भुजाएं हमें निकालनी है उसको हम एन लिख लेते हैं। ठीक है, तो भुजाएं, अब देखो ये अगर भुजाओं की संख्या हम इधर ले जाए और बाह्य कोण की माप नीचे ले आए, तो भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं ना ऐसे हम इसी फॉर्मूले से, भुजाओं की संख्या को इधर रख देते हैं और बाह्य कोण की माप को नीचे, तो हमारी भुजाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, बहुभुज के बाह्य कोण का योग और बटे में बाह्य कोण की माप, एक सारे जो बाहर वाले कोण है उनका योग और अपोन में एक जो बाह्य कोण है, हर एक जो बाह्य कोण है उसकी माप, और एन क्या है, भुजाओं की संख्या जो हमने निकाली है। तो बाह्य कोणों का माप कितना होता है, योग 360 डिग्री, और एक बाह्य, देखो यदि एक बाह्य कोण की माप ये हमें दे रखे कितना, 24 डिग्री, तो बाह्य कोण की माप को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको काट लेंगे तो हमारी एन का मान आ जाएगा, एन यानी भुजाओं